शिवसेना की प्रदेश इकाई ने प्रदेश प्रभारी सतीश महाजन एवं प्रदेश अध्यक्ष रमेश तत्कालिया के नेतृत्व में एसडीएम फतेहपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश को छत नसीब करवाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, आज जहां भी देखो हर तरफ सड़कों पर बेसहारा गौवंश घूमता व बैठा हुआ नजर आता, जिस कारण कई बार सड़क पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसमें कुछ अपंग हो चुके हैं व कईयों ने जान भी गंवा दी। उन्होंने कहा, बड़े शर्म की बात है कि जिसे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, उसे ही कुछ मतलबी लोग दूध पीने के बाद सड़कों पर छोड़ दे जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर एक माह के भीतर सड़कों पर घूम रहे गौवंश को छत नसीब नहीं करवाई तो शिवसेना पंजाब इन्हें प्रदेश के सभी एसडीएम व डीसी कार्यालयों के समक्ष बांधने को मजबूर होगी। आज हम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्य उपमंडल अधिकारी श्री भगवान चंद मंडोत्रा जी की अदालत में आए हैं। जो आज हमारा विषय था वो था गौ माता के ऊपर। हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही सर्वप्रिय माना जाता है, लेकिन हमारे ही हिंदू लोग जो गौ माता का दूध पीकर उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। पिछले 15 से 20 साल से ये एक समस्या लगातार चली आ रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सरकार और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार में भी हमने कई बार मांग पत्र दिए कि कम से कम जितनी भी गौ माताएं हैं इनको सड़कों से मुक्त किया जाए और इनको गौशाला में बैठाया जाए, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी बात धरातल पर नज़र नहीं आई। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को हम जहां से ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम एक महीने का समय देने जा रहे हैं, एक महीने के बाद भी अगर हमारी ये समस्या दूर नहीं की गई तो एक महीने के बाद एक जन आंदोलन छिड़ा जाएगा और जितनी भी ये गौएं हैं जो बेसहारा सड़कों पे घूम रही हैं, हम जितने भी चाहे उपायुक्त महोदय के कार्यालय हैं चाहे जितने भी बड़े ऑफिसरों के कार्यालय, हम उन कार्यालयों के आगे बांध देंगे। पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की होगी। एक महीने का आप समय दे रहे हैं? बिल्कुल एक महीने का हम समय दे रहे हैं। एक महीने में अगर गौमुक्त जो हमारी सड़कें नहीं हुई, हिमाचल की नहीं हुई, तो एक महीने के बाद हम जितनी भी गौएं हैं हमारी शिवसेना का जो है वो सभी गाँवें, हम जितने भी उपायुक्त कार्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश में आते हैं या जितने भी उपमंडल अधिकारी के कार्यालय आते हैं, हम उनके आगे वो गाँवें बांधेंगे जिनकी पूरी की पूरी